नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। माने कहा था मंदिर जरूर जाके आना। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ कि तूने मुझे ये नौकरी दिलाई। माने कहा था कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके दर्शन जरूर करूं, मगर भूल गया। अब याद से ये नारियल लाया हूं। ये औरत क्या बोली? नहीं जानता सर। इस जगह को पहचानते हो? सर आप किस जगह की बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सर। पहचान इसे? मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं। नो आई विल नॉट अलाउ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज डोंट शाउट। दिस इज नॉट योर पुलिस स्टेशन, दिस इज एन हॉस्पिटल। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखो देखो इन तीनों लड़कियों को, वो लड़की कोमा में है और ये दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, और ये ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके। डॉक्टर, मैं किसी किस्म की कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। सिर्फ इन्हें इसकी शक्ल दिखानी है। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें इसे कल कोर्ट में ले जाना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। शीतल, मिस शीतल, शीतल इस लड़के की तरफ देखो और बताओ क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हारा बलात्कार किया था? शीतल देखो इसे, पहचानो इसे, पहचानो, डरना मत, बताओ, हमें बताओ। शीतल आके खोलो। जाइए प्लीज। बस डॉक्टर, बस, सिर्फ एक बार। और क्या जानना चाहते हैं आप? जिस लड़के की सूरत देखते ही ये लड़की कांपने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका
कब निकालते हैं आप? नहीं डॉक्टर, मैं निर्दोष हूं डॉक्टर, प्लीज प्लीज बहन मेरी तरफ देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, मुझे इन्हें बताइए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बस बस, अब आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ले चलो सर। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं वो लड़का नहीं हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए उस लड़की से बात करने का, मैं साबित कर दूंगा कि मैं वो नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। बस बस इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार उस लड़की से बात करने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। यो मास्टर जी, कुछ पता चला अजय कौन सी जेल में है और कब छूट रहा है? ऐसे आदमी को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है, इस उम्र में बाप को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सच कहते हो दीनू काका, अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार देती उसे। आइए ना डॉक्टर साहब, अंदर चलिए। पार्वती आ गया मेरा बेटा। पार्वती, मैं डॉक्टर साहब को लाया हूँ। मुझे डॉक्टर की नहीं, मेरे बेटे की जरूरत है, अब पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता तो लगाइए। अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वो पार्वती, बहुत लंबी लगी है उसे, जल्दी नहीं निकलेगा। छोटी जाके वो दरवाजा भी बंद कर दे। डॉक्टर भाई सच पूछो तो दुख भी होता है उस बेचारे के लिए, तीन तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, इंसाफ से तो उसे सजा होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो। हाँ हाँ, जिसके घर में ऐसी जवान बहन हो उसे कम से कम ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। हेलो, लड़के कॉलेज के बाहर दादागिरी करता है, चला था। ए, क्या देखता है, क्या देखता तू, मेरे को देखता है, चलो ले ले जा। किससे किस तरह बात की जाती है ये तक आप नहीं जानते? किस तरह से बात करते हैं आप शरीफ और इज्जतदार लोगों से? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मेरा फर्ज बनता है, और आप लोग जो इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा रहे हैं ना वो बेबुनियादी है, झूठा है। साले खुद बेटी का धंधा करता है और अच्छी शिक्षा देने की बात करता है। देखिए आप हमें इस तरह जलील ना करें, हम अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानता हूँ, तेरे कमरे से भी 10 गैलन दारू मिली है। अगर वो कल सुबह तक यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ ना, मेरा वो हाल करूंगा कि मोहल्ले में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर, मेरे घर वालों को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, कोर्ट के फैसले की बात। इलाज 13 तारीख की शाम चेतना कॉलेज के रिहर्सल हॉल में 3 मासूम लड़कियों का वैश्याना तरीके से बलात्कार हुआ। वो बलात्कार किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़के ने और इसके 2 साथियों ने मिलकर किया, और इस बात को साबित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवाह है इंस्पेक्टर विजय शर्मा। इंस्पेक्टर विजय, जब आप मुजरिम को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ? सर, बलात्कार की शिकार शीतल डोगरा मुजरिम को देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी, उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी चिल्लाने लगी। जज साहब, वो पहचान नहीं पाई मुझे और उसने ये नहीं कहा कि मैं ही वो लड़का हूं। ठीक है, उसने ये नहीं कहा, मगर क्या वो लड़की तुम्हें देखकर पागलों की तरह रोने लगी? ये सही है? जी हाँ। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड। अब मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर जेटली। मिस्टर जेटली, जिस दिन कॉलेज में यह हादसा पेश आया क्या आप वही थे? जी हाँ, मैं उस कॉलेज का कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर हूँ और अक्सर काम के सिलसिले में मुझे वहां जाना पड़ता है, उस दिन भी मैं वहां मौजूद था। तो क्या आप विश्वास से कह सकते हैं कि आपके कॉलेज में 3 लड़कियों का बलात्कार करने वाला कोई और नहीं यही लड़का है? बिल्कुल, जब ये लड़का और इसके दोनों साथी बलात्कार करके भाग रहे थे
तब मैंने इसे बहुत करीब से देखा था। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। मिलॉर्ड, मैं अपना आखिरी और अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, चेतना कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस प्रतिभा जेटली। मिसेस प्रतिभा जेटली, क्या आप अदालत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ? जज साहब, मेरी तीनों स्टूडेंट्स रिहर्सल हॉल में बैठ के एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी, अचानक तभी मुझे किसी की चीख सुनाई दी। झूठ है जज साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर अजय, इस औरत ने तुम्हें मंदिर में देखकर शोर मचाया, जिसकी वजह से तुम गिरफ्तार हुए। इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा नहीं? जज साहब, क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाति दुश्मनी है? नहीं नहीं सर। तो फिर ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगी कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में ये साबित हो चुका है कि मुलजिम अजय ने और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। जो संगीन जुर्म मुलजिम ने किया है, उसके लिए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए दफा 376 दादे राते हिंद के तहत ये अदालत मुलजिम अजय को 7 साल बामुशक्कत की सजा देती है। दे शिवा पर मोहे, शुभ कर मन से कभू ना हटूं, ना डरूं बैरी सौ जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दरवाजा बंद कर लो, लॉक द डोर। सर, इरादा तो ठीक है ना आपका? अगर मेरा इरादा गलत होता तो दरवाजा लॉक मैं करता। देखो, तुम जानती हो मैं हूँ एडिटर बड़ा सख्त, क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्त, टाइम से चलना चाहिए। जानती हो तुम, तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। क्या? बैठो। देखो, तुम्हें मालूम है कि बॉम्बे टाइम का बुरा टाइम चल रहा है, चारों तरफ घाटा ही घाटा है, इसलिए 100 आदमी को नौकरी से निकाल देने की लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। सबसे पहले या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया, इसलिए मैं एमडी साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर, ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ। नो, कब करेंगे सर, नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ, कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए। सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है। ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, फाइल। ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है। देखो, सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस लगता है। अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया। अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा, या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी दो मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना। अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे। इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है। क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा। इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है।
अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है। करूंगी सर। तुम जाओ। रोटी, रोजी। अजय, आज तुम रिहा हो रहे हो। बाहर कुछ नहीं बदला है, दुनिया आज भी वैसी है जैसे तुम चार साल पहले छोड़कर आए थे। मगर इन चार सालों ने मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब। मेरे नाम के साथ एक और लफ्ज छुड़ गया है, मुजरिम। मगर फिर भी मैं तुम्हें दोबारा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, कम से कम इस जेल में तो हरगिज नहीं। फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, अब मैं इस जेल के अंदर दोबारा नहीं आऊंगा, कम से कम बेगुनाह बनकर तो हरगिज नहीं। गणेश, आइला, ये स्कर्ट आधा मीटर भी नहीं होगा रे। नहीं रिपोर्टिया, आधा मीटर तो जरूर होगा। क्या बात कर रहा है, 50 रुपए की लगी? चल लगी। बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम्हारी स्कर्ट का माप लेना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चल निकल। क्यों बे, हीरो बनते हो? राह चलती हुई लड़कियों के स्कर्टों के नाप लेते हो? मैं तुम दोनों को कानून का नाम बताता हूँ। पकड़ो इसे, ले चलो इन्हें थाने। अच्छा हुआ। चल बे, चल। ए, रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहर नगर। जवाहर नगर? जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया? क्या बोले तुम? मैंने कहा ना, मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूँ मैं, किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। फिर दोबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पांव है ना, तोड़ के रख दूंगा। जाओ। सुना नहीं, जाओ यहां से। साल बाद बेटा घर लौटा है और आप देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं आए तो मैं इसका स्वागत करूं। इसने मेरा, तुम्हारा, अपनी बहन का, सबका मुंह काला कर दिया है। देख, देख इसे, तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। लोग ताने मारते हैं इसको, जुमले कसते हैं इस पर। जा, चला जा यहां से। बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं, उन्हें मत कुरे, मत कुरे दुने। जा। ए भाई, चलना साइड में खड़ा हो, पता नहीं दिन में भी क्या क्या सपने देखते रहते हैं।
कौन हो भाई तुम? अरे क्या चाहिए जी? यहाँ मेरे, मेरा मतलब है चौहान साहब रहते थे। कौन चौहान साहब? जी वो। वो? अच्छा कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? उन्हें मरे हुए तो 4 साल हो गए। यही यही तो गले में रस्सी डालकर झूल गए थे वो। और उनकी पत्नी और बेटी? उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। घर का भाड़ा कहाँ से चुकाते? घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। 8-10 दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे। और फिर एक दिन किसी शराबी ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ चले गए। और तुमने तो ये बताया नहीं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। मैं चौहान साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो जिसकी वजह से सारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता। मासूम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? चल दफा हो जा यहाँ से। नीलू, देखो बेटा तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कब तुम अपनी गहरी नींद से जागोगी बेटा? कब तुम अपने डैडी से बात करोगी? तुम्हारा मुजरिम सजा काटकर बाहर आ चुका है बेटी, लेकिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक वो इस धरती पर है मैं हर पल उसके किए की सजा उसे देता रहूंगा।